खबर मध्य प्रदेश की जिला बैतूल से है, जहां जिले की समस्त नगर पालिका में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी द्वारा 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन के तहत धरना स्थल पर उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए बताया गया कि नगर पालिका में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कोरोना महामारी के समय अपनी जान को जोखिम में डालकर दिन रात जनता की सेवा निस्वार्थ भाव से की है, परंतु शासन के द्वारा अन्य विभागों के कर्मचारियों के लिए लगातार नियमितीकरण के आदेश निकाले जा रहे हैं, परंतु नगर पालिका में काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की और न ही ध्यान दिया गया है और न ही कोई विचार किया है। कर्मचारियों ने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा भी पूर्व में दैनिक वेतन कर्मचारी एवं विनियमित कर्मचारियों को नियमित करने हेतु पत्र लिखे गए हैं। अब जबकि मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी आशा एवं पूर्ण विश्वास कर रहे हैं कि उन्हें शीघ्र नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ है। पालिका मजदूर संघ क्या मांगे? हमारी प्रमुख मांगे हैं, नगर पालिका में काम करने वाले 2007 से वर्तमान तक के सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को बिना किसी शर्त के सीधे नियमित किया जाए एवं पूर्व में जिन कर्मचारियों को विनियमित किया गया है उन कर्मचारियों को भी सीधे नियमित किया जाए। कब से मांग कर रहे हैं? ये मांग हमारी 2014 से हम ये लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं। 2016 में सरकार के द्वारा एक आदेश पारित किया गया और उस समय 2007 तक के कर्मचारियों को विनियमित कर दिया गया, जबकि विनियमित कोई नीति है ना कोई नियम है, इन कर्मचारियों का भविष्य खराब कर दिया गया। उसके बाद 2007 से 16 तक के जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है वो लगातार तब से नियमितकरण की मांग कर रहे हैं, परंतु सरकार के द्वारा इन कर्मचारियों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये हमारा हड़ताल 3 दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन था। इसके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से सौंपेंगे, जिले के सभी जन प्रतिनिधियों को सौंपेंगे। उसके बाद एक निश्चित समय सीमा में हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो आने वाले समय में जिले के नगर पालिकाओं के समस्त कार्य का बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए भारतीय मजदूर संघ को बाध्य होना पड़ेगा। क्या मानते हैं इस तरीके से इग्नोर किया जा रहा है? अब ये चीज़ तो खुद हमें समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार जहाँ अन्य विभागों को लगातार नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की सौगातें दे रही है, परंतु हमारे नगर पालिका के इन कर्मचारियों को हमेशा से उपेक्षा का शिकार बनाया जा रहा है। मुझे तो ये लगता है कि हमारे ये नगर पालिका के झाड़ू लगाने वाले, मैला उठाने वाले, कोरोना के समय में लाशों को अंत्येष्टि करने वाले ये कर्मचारी शुरू से शासन की उपेक्षा के शिकार होते आ रहे हैं। और हम इस बार उम्मीद करते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जब प्रदेश के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे तब लगातार वो नियमितीकरण के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखते थे, परंतु आज तो खुद प्रदेश के मुखिया है तो उन्हें तो तत्काल डिसीजन लेके ये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण के आदेश जारी करना चाहिए। इसके पूर्व में भी अलग अलग नगर पालिकाओं में, मैं अमित सक्सेना दैनिक वेतन भोगी संघ अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बैतूल, इसके पूर्व में भी बैतूल नगर पालिका या जिले की सारी नगर पालिकाओं में अलग अलग तरीके से लोगों से डिमांड मांगी जा रही थी, सीएमओ से बात की जा रही थी, लेकिन कुछ था नहीं। पहली बार एकजुट होकर के सारी जिले की नगर पालिकाएँ एक साथ धरना प्रदर्शन कर 3 दिन तक शासन को अवगत कराया जा रहा है, एकदम लास्ट अल्टीमेटम दिया जा रहा है। बीच में हम लोगों संग एक अपेक्षा और रखी गई, जब जब हमारे कर्मचारी हड़ताल पर जाते थे हमारी तनख्वाहें रोकी जाती थी, हमको प्रेशर दिया जाता था, इस बार अगर इस टाइप की कोई भी हरकत होती है तो समूचे जिले की नगर पालिका एक साथ है, किसी भी कर्मचारी संघ कोई आहित होता है उसके लिए जवाबदार सरकार खुद होगी। हम पूरी हड़ताल अनिश्चितकालीन करने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं। नियमितीकरण की मांगे हैं, जो अपेक्षाएं होती हैं उसकी मांगे हैं। एक जो हम लोगों को जो विसंगति रखी हुई है तनख्वाह में उसको एक किया जाए। सबसे ज़्यादा काम अगर नगर पालिकाओं में कोई करती है तो दैनिक वेतन भोगी संघ या दैनिक वेतन भोगी करते हैं या जो हमारे कर्मचारी ये करते हैं, लेकिन उनकी लगातार ही अपेक्षा की जा रही है। आप लोगों ने इतने बार ज्ञापन दिए, सिर्फ आश्वासन दिया गया हम लोगों को, लेकिन आज तक कोई ऐसी कार्रवाई हम लोगों के प्रति नहीं की गई। एक सौतेला बच्चा मानकर हम लोगों को शासन एक अपेक्षा का शिकार करती चली आ रही है। इस आगे इसी हड़ताल को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज तो सिर्फ हम लोगों ने बहुत शांतिपूर्वक एक विनम्र तरीके से सरकार से आग्रह किया जा रहा है हम लोगों के द्वारा कि आप थोड़ा सा सफल करें, उसके बाद में थोड़ा सा उग्र रूप इसको धीरे धीरे हम लोग कन्वर्ट करेंगे अपने।